सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Fantastic. After this session, models ki duniya mein tu ek number one hogi. Oh really? I promise, you'll be on the top of the world. Mark my words. Excuse me, Raju. Oh God, Raju. Ji madam. Pani dena. क्या बदतमीजी है? मैंने कभी गर्म पानी पिया है क्या? मैडम आइस नहीं आया अभी तक। मुझसे जुबान लड़ाते हो? आइस नहीं आई? पकड़ो इसे, जाकर मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। Go and go. Cool down, Sonia. Take it easy. Take it easy. Yeah? Thank you, sweetheart. Thank you. Thank you. Right. Okay. Naval. Yes, sir. सोनिया यही रहेगी। ओके। मुझे ये पूरा एरिया लिट अप चाहिए। और गिव मी सम बैक लाइट। ओके फाइन सर। या? सर हम लोग कब तक शूट करेंगे? क्यों? नहीं वो क्या है, मेरी दादी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है सर। शायद मुझे जाना पड़े। आई सी। 6-7 o'clock बैक अप। आप ओके होल्ड स्टिल ड्यूड तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझे शंकी मेरा को शायद अच्छी तरह पहचानती नहीं हो मिस सोनिया शाह। What do you mean? मुझसे, मेरी एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर तुम यहाँ दूसरा असाइनमेंट कर रही हो? तुमने और तुम्हारी एजेंसी ने मुझे खरीद नहीं रखा है, समझे? तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी सोनिया। माय फुट। अगर तुम्हें और तुम्हारी एजेंसी को सुपर मॉडल सोनिया शाह चाहिए तो तुम्हें उसकी प्राइस देनी होगी। एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट मींस नथिंग टू मी, यू अंडरस्टैंड? तुम सोनिया शाह की फेस वैल्यू 2 लाख रुपए में कैश करना चाहते हो? फेस वैल्यू? तेजाब की खुशबू ने अगर तुम्हारे चेहरे पर फेंक दूं ना तो ये सारी फेस वैल्यू एक मिनट में जलकर राख हो जाएगी। अपने चेहरे को आईने में देखने से डरोगी? 2 लाख तो क्या कोई 2 कौड़ी तक नहीं देगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारे कारण मेरे 10 लाख का नुकसान हुआ है। आई वॉन्ट माई मनी बैक, 10 लैक्स और आई विल किल यू। व्हाट?
One minute, Mr. Shanky Mehra. जेबी, जब तक मेरा मामला सेटल नहीं हो जाता, तुम सोनिया के साथ शूट नहीं करोगे, वरना सोनिया के साथ साथ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे मेरा शूट तो हो चुका है। You're amazing, simply beautiful. क्या है ये सब? हाँ, क्या है ये सब? पैसा कमाने के लिए तुम्हें इस तरह की तस्वीरें खिंचाने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए मॉडलिंग नहीं करती। तो फिर क्यों करी हो ये सब? तुम्हें पता है ना कि अगर मेरे माँ बाप को ये सब देख लिया तो वो हम लोगों की शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। Stop it. I am a model, मैं एक मॉडल हूँ, सुपरस्टार मॉडल। और अगर तुम्हारे घर वालों को इतनी छोटी छोटी बातों से प्रॉब्लम है ना, देन गो अहेड, जाके उनकी मर्जी से गांव की किसी सीधी सादी कुंवार लड़की से शादी कर लो, जो 24 घंटे उनके सामने लंबा घूंघट ओढ़े खड़ी है। Why don't you understand me? I don't want to understand anything. मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी मेंटेलिटी, तुम्हारी थिंकिंग बहुत अच्छी तरह से देख चुकी हूँ। यू आर अ नैरो माइंडेड पर्सन, और मैं सुपर मॉडल सोनिया तुम जैसे दकियानुसी आदमी से शादी नहीं कर सकती। माय करियर इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? अपने करियर के लिए तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ! सोनिया! तुमने मुझ पर हाथ उठाया? I'm sorry, सोनिया। तुमने मुझे मारा? हाँ, I'm sorry, sorry। अब तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। आपसे अभी से इसी वक्त से तुम्हारा और मेरा संबंध खत्म हो गया। It's over. Now everything is over. It's not over. It's not over. I love you. I love you, Sonia. I love you. अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो हमारा ये रिश्ता हम दोनों में से किसी एक की मौत के साथ खत्म होगा। और ये बात तुम अच्छी तरह से याद रखना। हेलो, मुझे कल तक अपने 10 लाख रुपए चाहिए सोनिया। मैं तुम्हें 10 लाख तो क्या, 10 पैसे भी नहीं दूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं वाकई तुम्हारी जान ले लूंगा। I want my money. अच्छा, तो अब ऐसा करो, तुम मेरी जान ही ले लो, क्योंकि 10 लाख तो मैं तुम्हें देने वाली हूँ नहीं। सबके सब हिपोक्रेट, अकेली लड़की को देखकर हर कोई दबाना चाहता है, लेकिन मैं सोनिया शाह किसी से नहीं दबेगी, नहीं दबूंगी मैं किसी से। अंडरस्टैंड? नहीं दबूंगी मैं किसी से, नहीं दबूंगी। हेलो।
चाहूं तो अभी खत्म कर दूं तुझे। मेरे बॉस शैंकी मेरा से कॉम्प्रोमाइज कर ले। नहीं, कभी नहीं। तू मौत से नहीं डरती? नहीं, मैं बॉस से नहीं डरती। मैं अभी पुलिस को फोन करती। तो ठीक है, पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी। नहीं नहीं, इंस्पेक्टर भारत, मैं सोनिया बोल रही हूँ। रिमेम्बर, हम लोग एक पार्टी में मिले थे। आई एम अ मॉडल। जी मिस सोनिया शाह, फरमाइए मैं आपकी क्या खदमत कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर, आई नीड योर हेल्प। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। इंस्पेक्टर, एक एड एजेंसी का मालिक शैंकी मेहरा मुझे जान से मार डालने की धमकी दे रहा है। ठीक है, तो कल सुबह आप मेरे ऑफिस आ जाइए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? मैं घर से बाहर अकेली नहीं निकलना चाहती। क्या आप सुबह मेरे घर आएंगे प्लीज? ओके, तो आप अपना एड्रेस बताइए। दरवाजा अंदर से बंद है और हमें अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। सर, लेट हो गए श्रीवास्तव। ये तो मर चुकी श्रीवास्तव, और लगता है किसी ने गला घोंट के मारा इसे। हालत देख के ऐसा लगता है श्रीवास्तव कि इस लड़की और कातिल में काफी स्ट्रगल हुई है।
एक मिनट श्रीवास्तव। जेपी सालगांवकर, फैशन फोटोग्राफर। सालगांवकर विद लव, विद लव। श्रीवास्तव इस वक्त कौन हो सकता है? देखो कौन। आपकी तारीफ। मेरा नाम शंकी मेहरा है। ओह मिस्टर शंकी मेहरा, आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। क्या बात है मिस्टर मेहरा, मेरे इंट्रोडक्शन के बाद अब थोड़ा सा घबरा से गए। मैं सोनिया से मिलने आया। सोनिया घर पर है? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी मिस्टर शंकी मेहरा, ये एड एजेंसी के मालिक होने के साथ साथ आप एक्टर भी बड़े कमाल के हैं। कल सोनिया का फोन आया था मुझे कि आपने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसकी जान को आपसे खतरा है। और आज सुबह जब मैं उसके घर आया तो उसे मरा पाया। What? जी हाँ, मिस सोनिया शाह इज डेड। उसका किसी ने मर्डर कर दिया एंड यू आर द प्राइम सस्पेक्ट। What nonsense? Nonsense नहीं मिस्टर मेहरा, ये हकीकत। जैसा कि मैंने अभी भी आपसे कहा कि एड कंपनी के मालिक होने के साथ साथ आप एक्टर बड़े कमाल के हैं। बड़े इनोसेंटली यहां पर आके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, लेकिन आपकी मौजूदगी ये साबित नहीं करती कि यू आर इनोसेंट। आपको कुछ और प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने सोनिया को जान से मारने की धमकी जरूर दी थी, उसे फोन पर डराया धमकाया भी था, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, धोखा किया था मेरे साथ। बट बिलीव मी, उसका कत्ल मैंने नहीं किया। आपकी तारीफ। मेरा नाम दिवाकर है। मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। श्रीवास्तव सर, इन दोनों की फिंगरप्रिंट्स लो। ओके सर। इंस्पेक्टर भारत, मैं कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूं, मैं एक शरीफ और इज्जतदार बिजनेसमैन हूं। और फिर आप किस बिना पर मुझ पर शक कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मैंने गुस्से में आकर सोनिया को जान से मारने की धमकी दी? धमकी तो मैंने जेपी को भी दी थी। अगर कल कहीं जेपी का भी कत्ल हो जाता है तो क्या उसके कत्ल का इल्जाम भी आप मुझ पर लगाएंगे? मिस्टर मेहरा, आप तो ऐसे घबरा गए जैसे ये मर्डर आप ही ने किया। अगर आप बेकसूर हैं तो फिर इसमें इतना डरने की क्या बात। मैंने तो सिर्फ शक किया आप पे। मेरा शक करना आपको मुजरिम साबित नहीं करता, मुजरिम तो अदालत साबित करती है, फाइनल डिसीजन अदालत लेती है, तो शायद आपको पता हो। सो बेटर कोऑपरेट विद मी प्लीज। ओके। Okay.
फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स। सर ये रिपोर्ट तो ये कहती है कि सोनिया के बेडरूम की खिड़की पे जो उंगलियों के निशान पाए गए हैं वो उन दो लड़कों के नहीं, क्या नाम है उसका, शैंकी और दिवाकर, किसी तीसरे शख्स के हैं। सर ये भी हो सकता है कि शैंकी मेहरा ने किसी प्रोफेशनल किलर से सोनिया की हत्या करवाई हो। मुझे ये इसलिए नहीं लगता श्रीवास्तव, क्योंकि ये काम जो है किसी प्रोफेशनल किलर का नहीं है, कोई एमेच्योर सा बंदा है। किसी का गला घोंट के मार देना, उंगलियों के निशान वहां पर छोड़ देना, वहां से भाग जाना, श्रीवास्तव कोई प्रोफेशनल किलर होता तो कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज करता। और उंगलियों के निशान खास तौर से कभी छोड़ के नहीं जाता, और बेडरूम की हालत देखकर खास तौर से ये लगता है कि सोनिया और कातिल के बीच में बहुत स्ट्रगल हुई। इट कांट बी अ प्रोफेशनल किलर। यू आर राइट, लेकिन सर वो तीसरा आदमी कौन हो सकता है? बहुत जल्द पता चल जाएगा श्रीवास्तव कि वो तीसरा शख्स कौन है। हेलो इंस्पेक्टर भारत हियर। सर मैं राजू बोल रहा हूँ। बोलो राजू। मैं सोनिया मैडम का पर्सनल बॉय था। वो सर मैंने सुना है कि, बोलो राजू डरो मत, मैं सुन रहा हूँ। सर आप मुझे बचा लेंगे ना सर? सर अगर अमित साहब को पता चल गया कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सोनिया मैडम को मारने की धमकी दी थी, मैंने सुना था सर, मैं उस वक्त उनके घर पर ही था। राजू तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये अमित कौन है? सोनिया मैडम का बॉयफ्रेंड। अमित का पता जानते हो? जी। ठीक है, तुम मुझे अपना और अमित दोनों का पता बताओ। हेलो मैं अमित बोल रहा हूँ, तुम्हारा आदमी अब तक टिकट लेकर पहुंचा क्यों नहीं जोशी? डोंट वरी सर, हमारा आदमी यहाँ से निकल चुका है, बस आपके घर में पहुंचता ही होगा। ओके। मिस्टर अमित जी। इंस्पेक्टर भारत क्राइम ब्रांच।
परेशान, बेडरूम की विंडो पर आ गए होंगे इंस्पेक्टर। तो तुमने पुलिस में खबर क्यों नहीं की? मैं डर गया था इंस्पेक्टर, मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था इंस्पेक्टर। इतने पुलिस ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और खिड़की से अंदर कूद कर जाने की वजह से अगर उल्टा मुझ पर ही शक किया तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए इंस्पेक्टर इसलिए। और इतनी अकलमंदी के बावजूद तुम आखिर फंस ही गए। सर, अमित की बातों में या फिर उसकी कहानी में आपको कुछ सच्चाई नजर आती है क्या? सच्चाई हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। श्रीवास्तव, मुझे लगता है जैसे आज तक इस केस में हमें कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिला जिसके बलबूते पे हम, जिसके आधार पे हम मुजरिम को मुजरिम साबित कर सकें। लेकिन सर, अमित तो हमारी कस्टडी में है, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें एक ठोस सुराग की तलाश। श्रीवास्तव, मैं सोनिया के घर में फिर से एक बार जाना चाहता हूं। मुठभेड़ में इस लैम्प शेड से कोई टकराया है, या तो लड़की या कातिल, लेकिन यकीनन ये बाल किसी मर्द के हैं, औरत के नहीं। It's quite possible, sir. तुम एक काम करो श्रीवास्तव, शैंकी, दिवाकर, अमित और वो सोनिया का बॉय राजू, उनके बालों के सैंपल्स के साथ ये सैंपल भी मैच करो, इसको टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजो। ओके सर। और मुझे इन सब की रिपोर्ट चाहिए इमीडिएटली। आई एम 100% श्योर कि कातिल इन्हीं में से एक है। ये पकड़ना श्रीवास्तव। JP सालगांवकर, इस इंसान को हम नजरअंदाज कर रहे हैं श्रीवास्तव, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। कत्ल वाली रात ये भी सोनिया के घर में आया था। I want to meet this man called JP Salgaonkar. अरे कल रात तो क्या, मैं कभी भी सोनिया के घर नहीं गया। तो फिर वो फूल, वो बुके किसके हाथों भिजवाए थे आप? मेरे असिस्टेंट नवल के हाथों भिजवाए थे मैंने।
किस खुशी में? फूल भेजना कोई क्राइम तो है नहीं, लेकिन मैंने कुछ तस्वीरें खींची थी एक कवर के लिए, और सोनिया की इन तस्वीरों के साथ मैंने इस बुके को भेज दिया। जेबी साहब, आपका असिस्टेंट कहाँ होगा? वो कहाँ मिलेगा इस वक्त? उसकी दादी का देहांत हो गया, कुछ 2-3 दिन की छुट्टी ली है उसने, शायद कल तक आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन मिस्टर जेपी। यू वेलकम। थैंक्स अ लॉट। चलता हूँ मैं। अरे आई एम सॉरी, वो मक्खी बैठी हुई थी। वैसे जेपी साहब, एक बात बताऊँ आपसे, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। वो कहते हैं ना, वो सॉल्ट एंड पेपर है ना। चलता हूँ मैं। सर, ये रही वो रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक लैंप पर पाए गए बाल शैंकी मेहरा, जेपी दिवाकर, राजू या अमित, इनमें से किसी के भी नहीं है। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि कातिल इन 5 में से नहीं, कोई और ही है। और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे उस शख्स के भी मुझे बाल टेस्ट करने पड़ेंगे। वो आदमी और कौन हो सकता है सर? नवल, फोटोग्राफर जेपी का असिस्टेंट नवल। भाई साहब, वो नवल साहब कहाँ रहते हैं यहाँ पर? थैंक यू। मिस्टर नवल यहाँ पर रहते हैं? जी हाँ, पर आप कौन हैं? मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, क्राइम ब्रांच। वो यही कहीं पड़ोस में गई हुई है, आप बैठिए ना, मैं उनको बुला के आती हूँ। जी, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। प्लीज बैठिए। थैंक यू। नवल, ये लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर नवल जी, आप? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। नवल साहब, आपके सर में बाल पहले से नहीं थे या अभी आपने? नहीं जी, मेरी दादी एक्सपायर हो गई, इसलिए मैंने। ओह, आई एम सॉरी टू हियर दैट। एक्चुअली हम लोग, वो मॉडल है ना, क्या नाम है श्रीवास्तव? सोनिया शाह। वो सोनिया शाह मर्डर केस में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप सोनिया जी के घर में गए थे ना नवल जी? जी। खैर, मैंने बाकी के 5 लोगों के बाल टेस्ट कर लिए, लेकिन आपके सर पे चूंकि बाल ही नहीं है, मुझे दरअसल बालों की जरूरत थी। सर, फिर तो आपको 3-4 महीना इंतजार करना पड़ेगा जब तक मेरे नए बाल नहीं आते। जी नवल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। आप सोनिया जी के घर में गए थे ना उस दिन? जी। खैर, यही हमारा एक आखिरी सुराग था, जब आपके बाल ही नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। चलो चलते हैं श्रीवास्तव। थैंक यू मिस्टर नवल। थैंक यू। चलिए श्रीवास्तव। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। ये जो आपके सर के पीछे थोड़े से बाल हैं, इफ यू डोंट माइंड, इनमें से अगर थोड़े मुझे मिल जाएं तो मेरी इन्वेस्टिगेशन में मदद हो जाएगी, इफ यू डोंट माइंड। मैं कहता हूं रुक जाओ नवल। रुक जाओ नवल।
श्रीवास्तव वेरी गुड नवल साहब, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। नवल साहब तुम्हारा भागना ये साबित करता है कि तुम वाकई में मुजरिम हो। चलिए अब आराम से बताइए कि आपने सोनिया शाह का खून क्यों किया। पता था मैंने सोनिया जी का खून किया। वेरी गुड, जेपी साहब ने मुझे सोनिया के फोटोग्राफ्स और बुके देने उसके घर जाने को कहा था। उस रात जब मैं सोनिया जी के वहां गया तो उसे देख के मैं अपने आप पर काबू नहीं रखे, मेरे मन में पाप आ गया साहब। मैंने उसके साथ जबरदस्ती करना चाहा, हमारे बीच हाथापाई भी हुई। नहीं छोड़ दे मुझे। नहीं। अपने आप को बचाने के लिए वो चिल्लाने लगी और नहीं बचाओ। उसका आवाज बंद करने के लिए मैंने उसका गला पकड़ लिया। इतनी जुनून में मैंने इतने जोर से उसका गला दबाया कि साहब वो मर गई। लेकिन यकीन मानिए साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उससे गलती हो गई। जो इंसान औरत की इज्जत करना ना जानता हो, उसे खिलौना समझे, उसका यही अंत होता है। उसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। सोनिया शाह के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट।